आशीष गुप्ता बरेली से मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। सीधा बरेली का मैं रुख करना चाहूंगी। आशीष, बरेली में जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर किस तरह की उत्सुकता देखने को मिल रही है मतदाताओं में? कितनी संख्या है मतदाताओं में और यहाँ पर कितना क्या व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है? निर्वाचन आयोग ने क्या व्यवस्था की है? प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्या कुछ है? देखिए, आपको बता दूं कि बरेली में जो है इस बार सुबह से ही मतदाताओं में बहुत खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मैंने सुबह के अपने लाइव में भी दिखाया था कि 6:15 बजे ही एक राखी जौहरी नाम की जो मतदाता है वो मतदान केंद्र पर पहुंच गई थी। और आपको तस्वीरों में दिखा दूं कि यहाँ पर लगातार जो लोग हैं वो मतदान केंद्रों पर आ रहे हैं। मतदान केंद्रों पर लगातार लोगों के आने का जो सिलसिला है वो बिल्कुल जारी है। और यहाँ पर जो बूथ है वहां पर अभी से लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और सुबह से ही लगातार लोग जो है अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। और एक बड़ी बात यह है कि बरेली में उत्तर प्रदेश का पहला एक ऐसा माई बूथ ऐप के नाम से ऐप बनाया गया है जो एंड्रॉयड और iOS दोनों पे ही डाउनलोड किया जा सकता है। और बरेली की जिलाधिकारी की पहल पर इस ऐप को बनाया गया है, जिस पर जो मतदाता है वो न केवल अपने मतदान केंद्र की लोकेशन प्राप्त कर सकते हैं बल्कि वहां पर कितनी भीड़ है ये भी लाइनों में लगे हुए लोगों की संख्या उसमें BLO द्वारा अपडेट की जाएगी। लिहाजा मतदान प्रतिशत को लेकर जो भी काम किए जा सकते हैं और उनका जो है प्रबंध बरेली प्रशासन की तरफ से किया गया है। आपको बता दूं कि बरेली में 19,24,424 वोटर हैं जो सुबह से ही मतदान केंद्रों पर भीड़भाड़ दिखाई दे रही है। और 47,000 इस बार युवा वोटर हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं वो अपने मत का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और यहाँ पर सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। जो संवेदनशील बूथ है, अति संवेदनशील बूथ है, वहां पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है और भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ साथ अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी की गई है। जी लेकिन यहाँ पर आशीष देखिए मुद्दे बहुत सारे हैं। लोग जो हैं वो 2000 इन ये जो सीटें हैं जिन पर अब चुनाव लड़ रहे हैं लोग उम्मीदवार, और ऐसे में जहाँ पर मतदान चल रहा है ये 10 सीटें ऐसी हैं जहाँ 2017 से लेकर 2024 तक चाहे तमाम योजनाएं क्यों ना रही हो लेकिन ज्यादा जो दबदबा है वो यहाँ पर सरकारों को लेकर रहा है, उम्मीदवारों को लेकर। कुछ ऐसी सीटें हैं जहाँ पर लोग जो हैं वो उम्मीदवारों के साथ जाते हैं लेकिन कुछ ऐसी सीटें जहाँ पर फेसेस बदल दिए गए हैं, उम्मीदवार बदल दिए गए हैं। जब हम यादव परिवार की बात करते हैं आशीष, तो यादव परिवार एक बहुत बड़ी चुनौती उनके लिए होने जा रहा है इस बार ये चरण। जी बिल्कुल, बात करें हम बदायूं लोकसभा सीट की तो वहां पर जो शिवपाल सिंह यादव हैं उनके बेटे आदित्य यादव इस बार चुनाव मैदान में हैं और मैनपुरी से डिंपल यादव चुनाव मैदान में हैं। तो निश्चित तौर पर जो यादव परिवार है उसके लिए चुनौती है क्योंकि बरेली मंडल की 5 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी लेकिन इस बार बड़ी बात यह है कि बरेली मंडल की 3 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी बदल दिए गए हैं। बरेली से भी 8 बार के सांसद संतोष गंगवार का टिकट काट कर छत्रपाल गंगवार को दिया गया है, जिसके बाद यहाँ पर उनके समर्थकों में भी गुस्सा देखा गया था, जिसके बाद लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने बरेली में रोड शो किया था, मुख्यमंत्री ने कई रैलियां की थी और अमित शाह ने यहाँ पर जब रैली की थी तो उन्होंने मंच से कहा था कि उन्होंने संतोष गंगवार के लिए पार्टी ने उनके लिए कोई और अलग भूमिका सोची है। लिहाजा जो समर्थक हैं उनके गुस्से को कम करने के लिए लगातार पार्टियों के द्वारा प्रयास किया गया है लेकिन कहीं ना कहीं सबका असर चुनाव में देखने को मिलेगा। तो लिहाजा चुनौतियां जो है वो दोनों ही तरफ है, जहां एक ओर यादव परिवार को अपने गढ़ बचाने की चुनौती है वहीं भारतीय जनता पार्टी जो रुहेलखंड उसका गढ़ माना जाता है वहां पर जो इस बार टिकटों में परिवर्तन हुआ है उसको लेकर भी ये देखने वाली बात होगी कि जो समर्थक है वो कितना अपने पुराने जो जो उनका विश्वास है उस पर कायम रह पाते हैं। बिल्कुल आशीष, और जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर बरेली मंडल से 5 विधानसभाओं में लगातार जो सीटें थी वो बीजेपी ने जीती थी और ऐसे में क्योंकि एक तरफ तो बीजेपी है NDA है जो लगातार 10 की 10 सीटें इस चरण में जीतने का दावा करते आए हैं, तो दूसरी तरफ INDIA गठबंधन भी है जो लगातार अपनी सीट का जीत का दावा भी कर रहे हैं। आशीष, अपनी नज़र आप बनाकर रखिएगा, बहुत शुक्रिया आपका।